कटिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल डेकर डबल इंजन सरकार बना दी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी इस वीडियो के शुरुआती क्लिप में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान को सुन ही चुके होंगे, जिसमें वह कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर हमारे बीजेपी पार्टी के सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी को आप लोग बैठाए हैं, उसी प्रकार डबल डेकर इंजन की सरकार बिहार में भी आप लोग बनाकर देखिए। मैं कसम खाता हूं, बिहार को इस देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां उनके सपोर्ट में अब बारी बारी करके आ रही है, लेकिन पत्रकार मनीष कश्यप का झुकाव सबसे अधिक बीजेपी पार्टी की तरफ है। इसी वजह से आज हमारे देश के गृह मंत्री बीजेपी के अध्यक्ष आज पत्रकार मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इस बिहार की पावन धरती पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग उनके बयान को सुन ही चुके होंगे, जिस बयान में उनका कहना है कि जिस तरीके से आप लोग बीजेपी पार्टी को केंद्र में प्यार और अपना सपोर्ट दिखाए हैं, जिसके बदौलत आज बिहार की तोती पूरे वर्ल्ड में बोल रही है, उसी प्रकार से अगर बिहार को भी आप लोग विकसित राज्य बनाना चाहते हैं तो बिहार में भी एक बार बीजेपी पार्टी को मौका देकर देखिए, पत्रकार मनीष कश्यप को एक बार मौका देकर देखिए। पत्रकार मनीष कश्यप इस बार बीजेपी पार्टी से खड़े होने वाले हैं। आप लोग अगर एक बार उनको मुख्यमंत्री बना देंगे तो अगली बार इन राजनेताओं का एक विधायक तक भी बनना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री को भी कह चुके हैं, आप लोग उस बयान को सुन ही सकते हैं कि मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। वो यहाँ के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए है, इस बार उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, बिहार की वर्तमान सरकार को किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनका अब विधायक तक भी बनना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अपने राज्य में इन्होंने ऐसा काम ही किया है। दोस्तों, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित शाह जी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखिएगा और पत्रकार मनीष कश्यप जिंदाबाद भी लिखिएगा। धन्यवाद।